भगवान श्री राम ने बताया स्त्रियों को ये चार काम पति से पहले नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, स्त्री को घर की लक्ष्मी माना जाता है। कहते हैं जिस घर में नारी सुखी है, जहां उसकी पूजा होती है, वहां समस्त देवी देवता निवास करते हैं। वह घर सदैव सुख समृद्धि से संपन्न रहता है। और जिस घर में नारी दुखी रहती है, उसका अपमान होता है, वहां दुख, रोग, शोक, दरिद्रता, पाप पसार लेते हैं। हमारे देश में आदिकाल से नारी की पूजा होती आई है, क्योंकि नारी सुख समृद्धि को बढ़ाने वाली होती है। यदि वही नारी अपने नियम और आदर्शों का पालन नहीं करती है, तो वहां दुख और कलेश भी उत्पन्न हो जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे कामों के बारे में जिन्हें एक गृहिणी को पति से पहले नहीं करना चाहिए। प्रिय बंधुओं, आनंद रामायण में एक प्रसंग आता है जिसमें भगवान श्री राम जी ने नारियों को बहुत सुंदर शिक्षा दी है। हमारे घर की महिलाएं यदि उस शिक्षा को ग्रहण कर ले तो सदा पुरुषों के प्रिय बनी रहेंगी और घर में किसी तरह की गरीबी लाचारी नहीं आएगी। तो प्रिय दर्शकों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ध्यान से सुनना और अपने घर की समस्त नारी शक्तियों को इसे सुनवाना। यह प्रसंग उस समय का है जब प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा थे। उनके पुत्र लव और कुश उनका विवाह हो चुका था। उस समय सीता मैया अयोध्या के महलों में महारानी बनकर रह रही थी। कुछ लोगों के मन में यह शंका अवश्य चलती होगी कि सीता जी महारानी बनकर अयोध्या के महलों में कब रही थी। वह तो ऋषि वाल्मीकि के आश्रम से लौटने के बाद ही पृथ्वी में समा गई थी। उस समय लव कुश का विवाह भी नहीं हुआ था, जो उस समय किशोर थे। तो प्रिय बंधुओं, इस बात को लेकर शंका ना करें। प्रभु श्री राम का अवतार एक ही बार नहीं हुआ है, बल्कि हर कल्पों में श्री राम का अवतार होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि कल्प कल्प प्रभु अवतर ही, चार चरित्र नाना विध कर ही। यह कथा अन्य कल्प की है जिसमें सीता मैया पृथ्वी में समाती है और प्रभु राम उन्हें पृथ्वी से वापस मांग लेते हैं। इस कल्प में त्रेतायुग में भगवान श्री राम ने 11,000 वर्ष तक अयोध्या में राज किया था। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के दोनों पुत्र लव और कुश का विवाह हो गया था, तो एक दिन उनके संविधाने से कुछ बहने आई थी। सुंदर सुंदर फलों से और फूलों से सजी हुई टोकरियां थी। भगवान श्री राम ने उन टोकरियों में से कुछ टोकरी माता सीता जी के पास महल में भेज दी, कुछ टोकरी अपने भाई बंधु में बांट दी। प्रिय बंधुओं, हुआ ये कि सीता मैया के पास जो टोकरी गई थी, उनमें से एक टोकरी को सीता माता खोलकर देखने लगी। उन्होंने देखा कि टोकरी में सुंदर सुंदर कमल के पुष्प रखे हुए थे। माता सीता जी ने उसमें से एक कमल का फूल उठाया और उसे सूंघने लगे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अभी तक इन फूलों की सुगंध मेरे स्वामी ने नहीं ली है, तो मैं कैसे ले लूं। न उन्होंने उस फूल को श्री रामचंद्र जी को अर्पण किया, उससे पहले ही सूंघने लगे। इसे आप या तो सीता मैया की भूल समझ सकते हो, या फिर जगत को शिक्षा देने के लिए उनकी एक नई लीला। प्रिय बंधुओं, क्योंकि ईश्वर से कभी भूल नहीं बनती, यदि वे कोई भूल दिखा रहे हैं तो उसका मतलब भी मानव जाति को सचेत करना है। जैसे सीता मैया ने पंचवटी में रावण के मांगने पर भिक्षा लेकर आई, उन्होंने नारी जाति को यह शिक्षा दी कि यदि कोई साधु संत भूखा प्यासा दिनहीन द्वार पर आए तो उसे निराश मत लौटाओ। साथ ही साथ उन्होंने लक्ष्मण रेखा को पार करके ये भी बताया कि किसी साधु वेशधारी पर भी विश्वास करके अपना सुरक्षा कवच तोड़कर घर से मत निकलो, क्योंकि साधु वेश में भी कोई शैतान हो सकता है। वे स्वयं जगदम्बा थी। वे यह जानती थी कि यह साधु नहीं, कोई छलिया है। फिर भी जगत की नारियों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने ये लीला रची। प्रिय बंधुओं, जब सीता मैया अपने महल में बैठी कमल को सूंघ रही थी, उस समय अंतर्यामी भगवान श्री राम अपने दरबार में बैठे यह दृश्य देख रहे थे। उन्होंने बार बार इस बात पर विचार किया कि जनक नंदिनी सीता जी की इस कार्य से संसार की नारियों को क्या संदेश जाएगा। मेरे सूंघे बिना ही कमल पुष्प सूंघ लिया। एक शीलवती पतिव्रता स्त्री में ये गुण नहीं होना चाहिए।
कोई स्वादिष्ट पकवान या सुंदर पदार्थ यदि पति से पहले खाना ही है तो पहले पति को अर्पण करके या उससे आज्ञा लेकर ग्रहण कर सकती है। इससे पति के अनादर का दोष नहीं लगेगा। एक स्त्री को पृथ्वी की तरह सहनशील और संतोषी होना चाहिए, क्योंकि सबको खिलाने का काम भी नारी का ही होता है। इसलिए नारी महान है जो सबके भोजन पानी की चिंता रखती है। कहते हैं जिस घर में स्त्री नहीं होती वहां के लोगों का पेट भर के भोजन का सुख भी प्राप्त नहीं होता। इसीलिए कहते हैं नारी के बिना घर घर नहीं होता। एक नारी ही घर को सजाती है, इसलिए उसे एक गृहिणी कहा जाता है। आप अपना घर चाहे कितना ही सुंदर बना लो, संगमरमर के पत्थरों से सजा लो, मणियों से उसे चमका दो, और जब तक उस घर में एक स्त्री नहीं होगी तब तक वह रोशन नहीं होगा, उसकी कोई शोभा नहीं होगी। प्रभु राम ने सोचा कि इस समय यदि मैं चुप रह गया तो देवी सीता जी की दिखाई गई इस मार्ग पर चलकर संसार की समस्त स्त्रियां ऐसा ही करने लगेंगी। यही सोचकर प्रभु श्री राम सीता मैया के पास गए। उन्होंने सीता जी से कुछ भी नहीं कहा, बल्कि हर रोज की तरह 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 के कौतुक करके उन्हें प्रसन्न करने लगे। प्रिय बंधुओं, यहाँ पर प्रभु श्री राम पुरुषों के लिए भी एक बहुत बड़ी सीख दे रहे हैं। आपके घर की स्त्री से यदि कोई भूल हो भी जाए तो पुरुषों को चाहिए कि वे एकदम से उस पर झल्लाने ना लगे, बल्कि उसे इस तरह से समझाएं कि उसे अपनी गलती भी समझ में आ जाए और किसी को अपमान भी महसूस ना हो और कोई अपशब्द का भी प्रयोग ना हो। यह अपशब्द ही घर में फूट डालते हैं, एक दूसरे को अलग तक कर देते हैं, रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। अक्सर लोग यही भूल करते हैं। जब भी घर की स्त्री से कोई काम बिगड़ जाए तो एकदम क्रोध में आग बबूला हो जाते हैं। आप शब्दों की जड़ी लगा देते हैं, यार दोस्तों के सामने उसे मारने पीटने लगते हैं। जो काम बिगड़ना था वह बिगड़ गया। अब आपके गाली देने से, नाराज होने से, अपशब्द बोलने से वो ठीक नहीं हो जाएगा, बल्कि आपके रिश्ते भी खत्म कर सकते हैं। उचित यही है कि आप गलती करने वाले को इस तरह से समझाएं कि उसे बुरा भी ना लगे और उसे अपनी भूल का एहसास भी हो जाए, जैसा कि प्रभु राम ने सीता मैया को समझाया था। राम जी ने सीता माता को कैसे समझाया था, आइए आगे समझते हैं। जब प्रभु श्री राम सीता माता के पास जाकर बैठ गए, उनसे हंसी दिल्लगी की बातें करने लगे। सीता मैया ने भी भेंट में आई हुई उन टोकरियों को राम जी के आगे रख दिया। प्रभु राम ने उनमें से कुछ फल निकाले और स्वयं खाने लगे और देवी सीता जी को भी दे दिए। भगवान राम ने उस बात की चर्चा नहीं की कि तुमने हमारे सूंघने से पहले ही फूल क्यों सूंघ लिए। मित्रों, धीरे धीरे कई दिन बीत गए। एक दिन सीता मैया ने एकादशी का व्रत किया था और द्वादशी के दिन वे तुलसी के बगीचे में गए। वहां जाकर उन्होंने तुलसी की पूजा की और उसकी परिक्रमा की। एकादशी व्रत रखने के कारण उनके शरीर में कुछ थकावट सी थी, इस कारण उनके साड़ी के पल्ले में फंसकर तुलसी का एक पत्र टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा था। उसी के दिन उस तुलसी पत्र को टूटा हुआ देखकर सीता मैया ने सोचा, ओहो, मैंने बड़ा भारी अपराध कर डाला। यह सोचकर भी कुछ भयभीत सी हो गई और उन्होंने उस पत्ते को उठाकर उसे प्रणाम करके उसी बगीचे में फेंक दिया और चुपचाप महल में लौट आई। मित्रों, संयोग से उसी दिन नारद मुनि भी भगवान श्री राम के महल में पधारे हुए थे। प्रभु श्री राम ने नारद जी का खूब स्वागत सत्कार किया और उन्हें आसन पर बैठाया। राम जी ने सीता मैया से भोजन परोसने के लिए कहा। माता सीता ने दो थालियों में भोजन परोस दिया। एक थाली प्रभु राम के आगे रख दी, दूसरी थाली नारद मुनि के आगे रखने को चल दी। उसी समय नारद मुनि कहने लगे, हैं माता, मुझे क्षमा करना, आज मैं तुम्हारा परोसा हुआ अन्न नहीं खा सकता, क्योंकि आज आपने एक बड़ा भारी पाप कर दिया है। आज द्वादशी है और द्वादशी के दिन तुमने एक तुलसी पत्र तोड़ दिया है।
कहते हैं द्वादशी को, संक्रांति को, चतुर्दशी को, शुक्र और मंगल के दिन सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय सूर्यास्त से पहले और सूर्यास्त के बाद घर में संतान का जन्म होने पर, किसी का देहांत होने पर जो लोग तुलसी पत्र तोड़ते हैं वे मानो तुलसी पत्र ना तोड़कर भगवान का सिर काटते हैं। इसलिए आज मैं तुम्हारे हाथ का परोसा अन्न नहीं खा सकता। भगवान श्री राम को तो सब पता ही था, क्योंकि ये लीला उन्हीं ने रची थी। उनकी इच्छा से ही नारद मुनि ये सब कर रहे थे। यह सब जानकर भी प्रभु राम नारद मुनि से पूछने लगे, देवर्षि, क्या इस पाप से छूटने का कोई उपाय नहीं है? यदि तुम इसका उपाय जानते हो तो देवी सीता को बताकर इन्हें इस अपराध से मुक्त कर दो। प्रिय बंधुओं, नारद मुनि कहने लगे, हे भगवन, इसका एक ही उपाय है। यदि देवी सीता उस टूटे हुए तुलसी पत्र को अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से उस तुलसी के पौधे पर पुनः जोड़ दें तो इस पाप से मुक्त हो सकती है। सीता मैया कहने लगी, ये देवऋषि, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं अपने पतिव्रत धर्म के बल से उसे अभी जोड़े देती हूँ। मित्रों, इतना कहकर सीता मैया पुनः उस तुलसी के बगीचे में गई और टूटे हुए तुलसी के पौधे को प्रणाम करती हुई भक्ति पूर्वक उससे कहने लगी, हे तुलसी, यदि मुझे में पतिव्रता का बल हो तो ये टूटा हुआ पत्र फिर तुम्हारे अंग से जुड़ जाए। प्रिय बंधुओं, ऐसा कहकर जब सीता मैया ने सामने देखा तो वो तुलसी का पत्र जुड़ा ही नहीं था। यह देखकर सीता मैया को बड़ा दुख हुआ। सोचने लगी, ऐसा मैंने पति का कौन सा अप्रिय कार्य कर दिया है जो मेरे सतीत की शक्ति भी लुप्त हो गई। वे बड़ी दुखित थी। नारद मुनि ने देखा कि माता सीता बड़ी दुखी हैं, तो वे उनके पास गए। उन्हें एकांत में ले जाकर समझाने लगे, हैं माते, इस तुलसी पत्र के ना जुड़ने का कारण है कि आपने प्रभु राम से पहले कमल पुष्प की सुगंध ली है। पतिव्रता स्त्रियों को चाहिए कि यदि उनके पति ने हसपूर्वक सुगंध ना लिया हो तो स्वयं ही किसी पुष्प आदि की सुगंध ना ले। अब तुम एक काम करो, तुम तुलसी पत्र से यह कहो कि हे तुलसी पत्र, यदि उस कमल पुष्प को सूंघने के अतिरिक्त यदि मैंने कभी पति का निरादर नहीं किया है तो तुम अपने टूटे स्थान पर जुड़ जाओ। मित्रों, नारद के कहने पर सीता मैया ने फिर से तुलसी पत्र से प्रार्थना की और कहा, हे तुलसी पत्र, कमल पुष्प सूंघने के अतिरिक्त यदि मुझसे कभी पति का निरादर नहीं हुआ है तो तुम जुड़ जाओ। मित्रों, सीता मैया के इतना कहते ही तुलसी पत्र टूटे हुए स्थान पर पुनः जुड़ गया। सभी देवताओं और ऋषि मुनियों ने सीता मैया की जय जयकार की। उसी समय प्रभु राम ने सीता जी को गले लगा लिया और कहने लगे, हे देवी, ये सब मेरे द्वारा रची हुई एक लीला थी। मेरी इच्छा से ही तुलसी पत्र टूटा था। आपको शिक्षा देने के लिए ही मैंने ये सब किया था। मेरे कहने से ही नारद मुनि ने तुम पर दोषारोपण किया था, इसलिए आप उन्हें क्षमा करें। समस्त नारी जाति को मैंने तुम्हारे माध्यम से शिक्षा दी है कि वे अपने अपने पतियों को अलग अलग करके स्वयं भोगों का उपभोग ना करें, क्योंकि धर्म की स्थापना करने, सज्जनों की रक्षा करने और दुष्टों का विनाश करने के लिए ही मैंने ये अवतार लिया है। नारियों को अपनी बुद्धि से ही पतिव्रत धर्म की रक्षा करनी चाहिए। नारियों को चाहिए कि वे ये चार काम पति से पहले ना करें। पहला काम, किसी चीज का उपभोग ना करें। यदि करें भी तो पति के साथ या उससे आज्ञा मिलने पर। दूसरा काम, किसी अनजान व्यक्ति से वार्तालाप ना करें। यदि आपके घर कोई अपरिचित या बाहर का व्यक्ति आए, भले ही वह परिचित का हो, तो भी पति के रहते उससे वार्तालाप ना करें। तीसरी बात, पति की सलाह लिए बिना किसी बड़े काम की शुरुआत ना करें। चौथा, पति की आज्ञा लिए बिना किसी परिचित व्यक्ति को भी घर पर ना बुलाएं, ना उसके साथ कहीं घूमने जाएं। यहां तक कि अपने पिता के घर भी जाएं तो पति से कह कर ही जाएं। आपत्ति काल में स्वयं निर्णय ले सकती हैं। अपनी व्यक्तिगत बातें या मान अपमान की बातें यदि किसी को बतानी पड़े तो पति को पहले बोलने दे। इससे नारियों का स्वाभिमान, सम्मान सदैव बना रहता है। इस वीडियो के विचार यदि आपको सही लगे हो
तो फिर वीडियो को लाइक करके ही जाना। आगे फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में एक खूबसूरत सी ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।